स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चैप्टर नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं 2 मिनट आपकी लेना चाहूंगा कि कल मैंने बताया था जैसा कि 25 अप्रैल को 25 अप्रैल सैटरडे रहेगा, और सैटरडे को हमारा टेस्ट होगा। ओनली 10th और 12th उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स वाले। 1 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो 1.5 मार्क्स के होंगे, और 1 से 15 तक के क्वेश्चन आएंगे वो 1.5 मार्क्स के होंगे, और 16 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 1.4 मार्क्स के। यानी ये हो गया 15 × 1/2 = 7.5 एंड ये 10 × 1/4 = 2.5। टोटल 10 मार्क्स का हमारा टेस्ट होगा। टाइमिंग रहेगा इसमें हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी का 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा, और इंग्लिश का वो रहेगा 11:30 से 12 बजे तक। सुनिए ढंग से आप सभी लोग, टेस्ट के समय आपको 3 दिन से लगातार मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि टेस्ट का पेपर इसी पीरियड के लिए ही खुलेगा, न इससे पहले खुलेगा न बाद में। आपको 10 मिनट पहले सारी तैयारी के बैठना है, और आधे घंटे के लिए ये आपके पास खुला रहेगा पेपर, उसी में आपको टिक करने, राइट है, रोंग है, ए है, बी है, सी है, ऑप्शन है, वो आपको टिक करने, और उसके बाद आपको बताना। ऐसा ही आपके पास रहेगा। इंग्लिश का वो 11:30 से स्टार्ट होगा और 12 नून तक चलेगा, यानी दोपहर 12 बजे तक, यानी आधे घंटे का ये, आधे घंटे का ये, टोटल 1 घंटे का आपके पास में टेस्ट का पीरियड होगा। पहले से तैयारी के लिए बैठे, न इसके पहले खुलेगा न इसके बाद खुलेगा। आप जो सबमिट करोगे, सबमिट होते ही आपका ऑटोमेटिकली आपके द्वारा टेस्ट चेक हो जाएगा, किस बच्चे ने कितना किया, कैसा किया, कितने मार्क्स आए, ये आपको नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे को आपको सब पता चल जाएगा कि किसके कितने मार्क्स आए। तो स्टूडेंट इसको सीरियसली लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पे। हमारा चैप्टर जो है वो है, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, और अब मैं ले चलता हूं आपको 15.3 में। कुछ हमने डाउट सोल्व किए थे, मेरे अकॉर्डिंग हमने 7 तक डाउट सोल्व कर लिए थे। एट नंबर की डाउट में मैं आपको ले चलता हूं, आपके पास बुक है तो उसको ओपन कर लीजिए, और अदरवाइज मैंने शायद आपको क्वेश्चंस भेजे हैं और आपको जिसके पास बुक नहीं है अरेंज करें, फिर भी मैं आपको, आप देखें असाइनमेंट जो आपका भेजता हूं उसमें मैं 15th और 16th दोनों चैप्टर के जो बुक है उसके पर्सनावली का जो पेज की फोटो है वो आपको भेज रहा हूँ, पीडीएफ में भेज रहा हूँ, खोल के देख लें। जिनके पास बुक नहीं है वो उससे अपना काम करें, काम चलाए जब तक अपन बुक नहीं ले आते। आइए 8वां सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है। आइए ऐसे एक सर्कल है और इसके अंदर एक इस प्रकार से त्रिभुज बना है, और इसका नामकरण है ए सी और बी। ये 6 का बता रहा है, एक 8 का बता रहा है, ये 90 डिग्री है। गुरुजी आपको किसने कहा, क्योंकि ए बी व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। और अच्छी तरह बताया कि एसीबी एक समकोण त्रिभुज है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है,
और उससे हम इसका कर्ण जिसको मैंने ए बी लिख रखा है वो याद हो सकता है। तो यहां पर जो चित्र दिख रहा है आप लिख सकते हो, यदि चित्र आपको दिया जाए तो नहीं दिया जाए आपको बनाना है, चित्र दिया जाए तो आप लिखेंगे चित्रानुसार, और चित्र आपको बनाना है तो आप लिखेंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एसी, कायदे से समकोण त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो 90 वाला पॉइंट बीच में मिडल में आना चाहिए, वो है सेम एसी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर गिवन है और बीसी इज 8 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे कि एबी इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर, ए बी बराबर 6 का 36 8 का 64 दोनों को जोड़ा तो हो गया 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। ये ए बी की लंबाई आ गई, ये भी कितने का आया 10, आधा करो इधर 5 और इधर भी 5, ये केंद्र है इसका तो त्रिज्या हो गई 5। यहां लिख सकते हैं आता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल 10/5 सेंटीमीटर। ओके, हमें इस त्रिभुज को छोड़ के बाकी भाग को छायांकित दिखाया गया है, शेडेड छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, यहां जगह है इसलिए मैं लिखूंगा, तो आप लिखेंगे इसलिए छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपको पता है कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिभुज पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, घटाना है, तो आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे, आर का वैल्यू क्या रखना है, सारे सवाल को सभी सवाल सारे के सारे एंड तक मैं बोर्ड बताऊंगा तो आप भी कुछ करेंगे, इसलिए आप इसको करिए नहीं आता मेरे से पूछिएगा, आर का वैल्यू क्या रखना बताओ 5, तो पाई का मान 22/60 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 1/2 आधार 8 ऊंचाई 6, चाहे आधार को 6 मान लो चाहे ऊंचाई 6 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 गुणा 6 आंसर आ जाएगा। ये सवाल संख्या 8 हुआ। नवा सवाल, नवा सवाल देखिए, नवे सवाल में इस प्रकार की आकृति, एक वर्ग है और इस वर्ग में 4 अर्धवृत्त बनाएंगे, पहला अर्धवृत्त देखना, पहला चौक इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी डी, शायद बुक में दिया भी होगा, और इसकी भुजा की लंबाई शायद अपने को 8 दे रखी है, 10 है भुजा कितनी 10, तो सारी भुजा 10 होगी, एक इधर से अर्धवृत्त बन गया, 2 एक इधर से अर्धवृत्त बन गया, 3 इधर से बन गया, 4 कितने अर्धवृत्त खींचे मैंने, 4 किसके अंदर खींचे, वर्ग के अंदर। आप देखिए हमें ये जो डिजाइन मैंने बनाई है उस डिजाइन का हमें एरिया चाहिए, मैं
चित्र आपको यदि दिया जाए और दिया हुआ होगा इस प्रकार की स्थिति में आप लिखेंगे छायांकित भाग का, पहले मैं इसकी आपको थीम बताता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चार गुणा अर्धवृत्त, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए लिखा है मैंने, चार गुणा अर्धवृत्त माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, चार गुणा अर्धवृत्त, चार अर्धवृत्त है और उसमें से किसको घटाएंगे, वर्ग को घटाएंगे। गुरुजी ऐसा ही सूत्र क्यों लिखा, फटाफट देखिए इधर पूरा ध्यान यहां पर देखिए सरकार, मैं मेरी भाषा में समझाता हूं, यहां प्रत्येक भाग समान है क्योंकि समान त्रिज्या के अर्धवृत्त बनाएंगे। मान लो ये जितनी भी डिजाइन है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, ठीक है, बाहर बचाओ 5-5 का, ये बात मैं पहले बताई थी, प्रत्येक भाग समान है क्योंकि हमने समान त्रिज्या के अर्धवृत्त खींचे। अब सुनना, जब मैंने पहला अर्धवृत्त इधर से खींचा था तब इसके अंदर कितना एरिया आ गया, वो सुनो, 10, 5, 15 और 10, 25 कितना आया, 25 प्लस मैंने दूसरा जो खींचा इधर से देखना कितना आया, 10, 5, 15 और 10, 25। जब मैंने इधर से खींचा तीसरा देखना ऊपर वाला 10, 5, 15 और 10, 25 और जब मैंने इधर से खींचा तीसरा सॉरी चौथा 10, 5, 15 और 10, 25 टोटल आ गया 100। किस हिसाब से, अर्धवृत्तों के हिसाब से। अब वर्ग एक्चुअल कितने का है, गिनो, वर्ग कितने भाग, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सबको जोड़ो, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 और 60 साठ का ही वर्ग, 60 का ही, पर अर्धवृत्त कितना हो गया 100, तो कितना बढ़ गया 100 माइनस 60 40 बढ़ गया, वो 40 किनका बढ़ा, 1, 2, 3, 4 इनको जोड़े 40 आ रहा है, चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ में से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटाता हूं तो इन चारों डिजाइन का एरिया 40 आ जाता, लिखूंगा कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा a बराबर 10 सेमी तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 10/2 = 5 से। आप सूत्र मान लिखो, ये सूत्र पढ़ाई यहां बराबर मैंने लगा दिया नीचे वापस, 4 गुणा अर्धवृत्त का होता है 1/2 πr² ये पहले सूत्र लिख देता हूं, माइनस वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है ये से कट गया, 2π / 22/7 त्रिज्या 5 गुणा 5 परे 10 का स्क्वायर, पाई का मान दिया हुआ सॉरी 3.14 3.14 5 * 25 5 * 50 तो 50 * 3.14 -10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। चाहो तो इसका पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर दो अंकों पे दशमलव होता है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, 50 का भाग 100 में 2 बार जाएगा और 2 का भाग इसमें देंगे तो 157 आएगा, -100 = 57 बचेगा, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर उस डिजाइन का, इन चारों डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाए। ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा नवा सवाल, बोर्ड पे देखिए बहुत अच्छे सवाल है, दोनों बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम आने लायक है। अब मैं इस एक्सरसाइज का जो डाउट नंबर है हमारा
वो लेता हूं 10th। हार्ड नहीं है, इजी सा है, इसको देख लें, पहले इसको देख लेगा गौर से, फिर उसको देखें या उतारें, इतने में मैं इसको इरेज करता हूं। अब 10th नंबर डाउट है एक्सरसाइज 15.3। एक अर्ध वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है, एक अर्ध वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त बना हुआ है, ये 7 सेमी, इसको ए ओ बी और इधर सी नाम दे दिया, ये त्रिज्या इसकी 7 सेमी है, ये भी 7 सेमी हुई और ये भी 7 सेमी हुई, ये बड़े वाले भाई साहब की तो त्रिज्या है, इसकी तो त्रिज्या है, पर छोटे का व्यास हो गया, इसका व्यास 7 है, तो छोटे वाले की त्रिज्या निकालेंगे हम, वो आएगी 7/2। कितनी आई? 7/2। तो देखिए हमें जो चाहिए उसकी बात कर लेंगे, ये चाहेंगे भागे, तो अब इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहां देखो, सबसे पहले टारगेट पे फोकस करो, टारगेट क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और छायांकित भाग ज्ञात कैसे होगा? पहले उस पॉइंट पे जाओ और फिर उस पॉइंट को पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिएगा उसकी तलाश बाद में करना। अर्धवृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ओके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान देना, अर्धवृत्त बड़ा था इसलिए बड़ा आर लिया है, और ये पूरा वृत्त छोटा था इसलिए स्मॉल आर लिया है। चाहो तो पाई कॉमन ले सकते हो, पाई का मान 22/7 कॉमन आ गया, त्रिज्या बड़े वाले की 7 थी तो 7 × 7/2 में क्या पड़ा 2, माइनस छोटे वाले की त्रिज्या 7/2 × 7/2 ये थी, ओके ये देखो 22/7 पड़ा, ये इसको हल करेंगे तो देखना क्या आएगा कि इधर आया 49/2 माइनस 49/4, ये 22/7 हो गया, लघुतम लिया 4 आएगा, पता है आपको 4 आएगा, ये हो गया 98 − 49, रिजल्ट आया 22/7, इसमें से घटाएंगे तो ऊपर 49/4 आएगा, 7 का भाग इसमें 7 बार गया, 2 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग 11 बार गया, 11/7 / 2 यानी लिखो तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। देख लीजिए ये सवाल संख्या 10 मैंने आपको बताया, सवाल 11 और 12 एबस अदय टाइप के क्वेश्चन है और सिंपल सिंपल बात है, बोलता है दो R1 और R2 त्रिज्या के सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है R1 और R2 त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कह रहा है। सकेंद्री कौन से होते हैं? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो त्रिज्या अलग अलग हो उनको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो यहां पर हमें दो वृत्त बताए गए हैं, एक की त्रिज्या R1 है और दूसरी त्रिज्या R2 है, ऐसे ये तो R2 त्रिज्या का है, ये R1 त्रिज्या का है, हमें इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये तो सूत्र भी याद हो गया होगा, पाई ब्रेसिस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का
क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है इस प्रकार क्या है। ये सवाल संख्या 11 की बात है। 12 में कह रहा है चार सभी भुजा वाले वर्ग में अंतर्वृत्त की परिधि। 12 में कल ऐसा सवाल आया था, चार सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि, तो भुजा चार सेमी है तो इसका व्यास भी चार सेमी हो गया, तो त्रिज्या दो और दो हो गई। परिधि निकालनी, इस वृत्त की परिधि क्या चाहिए आपको, तो 2πr होती है, 2 × π का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 2, ये 22 × 44, 44 × 88 / 7, ये हो गया हमारा 15.3। स्टूडेंट आइए इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको विविध प्रश्नमाला होगी शायद इसकी, उस पर ले चलता हूं। कुछ सवाल होंगे ऐसे भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जिनको अपन बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ देखें, शायद है मेरे पास कुछ सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स है वो आपके लिए, मैं उनको सिलेक्शन के साथ आपको बताना चाहूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए। छोटे सवाल तो कोई बात नहीं, देखो मैं आपको छोटे से बता दूं, सब 2013 में सवाल आया था, वहां से स्टार्ट करता हूं। सवाल छोटा सा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटा सवाल था, अच्छा सवाल है, त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल चाहिए, तो पाई आर उसका क्षेत्रफल होता है, परिधि पूछता तो 2πr परिधि होती है। फिर क्या है नेक्स्ट है, 2014 में आया सवाल है, बहुत सिंपल है, वास्तव में ऐसा सवाल पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, ऐसा सवाल पूछता है, आर त्रिज्या और थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या और थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिख देना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ओके, और 2015 में जो बोर्ड एग्जाम में आया था वो कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अपने पास थीटा डिग्री है तो चाप की लंबाई बताओ। अब की बार क्या पूछ लिया, चाप की लंबाई, तो चाप होता है पाई आर थीटा बटे 180। एक बार सूत्र भी आपको याद हो रहे हैं वापस, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा सवाल की बात कर रहा हूं। 2014 में एक सवाल और आया था, 44 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि क्या बताया उसने, परिधि, यहां देखें क्या दिया है, परिधि। स्टूडेंट्स याद रखें, मैं एक बात बोलूंगा, एक स्टेटमेंट बोलूंगा, वो स्टेटमेंट आप याद रखें, उस स्टेटमेंट से आपको देखिए मैं कुछ नाम बोलूंगा उनको याद रखना, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, ये चार वैल्यू सवाल में दी जाए तो उन चारों वैल्यूज का सूत्र लिखना बाई ओर, लिख दिया, और जो परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन दिया जाए वो लिखना दाई ओर। आप सूत्र में से जो जो वैल्यू आपको मालूम है वो तो रख देना, नहीं मालूम है उसका उत्तर अपन ज्ञात करेंगे। तो यहां से क्या चाहिए हमें, आर, आर की तो 7 जाएगा गुणा में, ये लो चला गया, और ये दोनों आएंगे भाग में, कौन 2 और 22, ये लो चला गया 2 × 22, 22 × 44, त्रिज्या की 43 7, हमें क्या पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन चारों वैल्यूज दी जाती है तो उनको अपन बराबर के निशान के दाईं ओर लिखेंगे और उनका सूत्र बराबर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। ये हमारा हुआ सवाल 2014 में आया हुआ था, मैं थोड़ा इधर से और साफ करता हूं, और इस चैप्टर में से और बोर्ड एग्जाम में से भी कैसे सवाल आए उनकी चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है। देखो स्टूडेंट, चैप्टर पढ़ने की बजाय ये जरूरी है कि इस चैप्टर में से किस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है और उस सवाल का उत्तर मुझे आता है या नहीं। हमें देखो वही बात है, समुद्र बहुत गहरा है, हर जगह डुबकी लगाने से कोई फायदा नहीं, डुबकी वहीं लगाओ जहां आपको मोती मिलने की संभावना लगे, उस जगह ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए जहां मोती मिले। तो वैसे ही अपने पास चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है पर उन टॉपिक्स को हमें ज्यादा इंपोर्टेंस देना है, उन चैप्टर को ज्यादा गौर से देखना है, जो चैप्टर ऐसा लगे इनमें से 101% बोर्ड एग्जाम में
सवाल बनता है और किस तरह का सवाल बनता है यह हमें स्पेशल देखना चाहिए। आइए नेक्स्ट है जो बोर्ड एग्जाम में आया सवाल है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के कोण 120 डिग्री के संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा सवाल है, अभी तक ऐसा सवाल अपने इस चैप्टर में नहीं है। त्रिज्या बता रहे थी 7, थीटा बताया 120 और पूछा गया दीर्घ त्रिज्य खंड स्ट्रेंथ, हालांकि मैंने लिखवाया था सूत्र में, फिर लिख रहा हूं दीर्घ त्रिज्य खंड का जो सूत्र है वो लिखना चाहिए आपको पाई आर स्क्वायर बटे 360 कोष्टक 360 माइनस थीटा, पाई का मान 2/7 होता ही, त्रिज्या 7 × 7 होगी बटे 360 आ गया। यहां गुणा में 360 में से उस कोण को घटाना है जितना में दे रहा है, यानी 120 डिग्री दे रखा है, जब तक कोण 180 डिग्री का होता है तब जाकर अर्धवृत्त होता है। 180 डिग्री से छोटा कोण है तो छोटे कोण की ओर बना त्रिज्य खंड लघु होता है और बचे हुए की ओर बना हुआ दीर्घ होता है। तो हमें 120 दिया हुआ है तो 120 को 360 से कम कर देंगे, बचेगा वो क्या हुआ दीर्घ। और यहां हम आगे चलेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7 बटे 360 गुणा ये हो गया 240, ये कट गया 0, 6 × 4 = 24 और 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 2 × 3 = 12 गया, 2 × 11 = 12 गया, 11 × 7 = 77, 77 × 4 अपने पास हो गया 308 और बटे ये हो गया अपने पास में 3, ठीक है। इसको भाग लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो इतना बड़ा रहेगा, ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। याद रखिए सूत्र देखिए जो मैं लिखा है। ओके नेक्स्ट सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आया था 2015 में, वो अभी बताइए भी 2015 का है, अब भी 2015 बता रहा हूं, आज तक बुक सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं होता है, थीम में कोई चेंज नहीं होता है, सिलेबस में हल्का फुल्का कुछ जुड़ जाता है हट जाता है, पर ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही हटके नहीं आ गया, ऐसा नहीं होता। 14 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो, हो जाएगी 14 सेमी व्यास है, त्रिज्या आदि करोगे 7 हो जाएगी, परिधि निकालने 2πr हो जाएगी। नेक्स्ट एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है और इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पथ का निर्माण कराने की लागत ज्ञात करो, ₹25 प्रति मीटर की दर से। ध्यान देना एक वृत्ताकार तालाब है, ये तालाब है, इसकी त्रिज्या 17.5 बताइए हमें, इसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ रास्ता बना है, तो देखो 17 पहले था यहां तक, 2 और बढ़ गया तो 19.5 हो गया, ओके, और ये 17.5 था। हमें इस रास्ते का पहले निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, ये रास्ता आपको दिख रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, और 2 संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, पाई बाहर आती है कैपिटल, या तो कैपिटल लिख दो या R1² - R2² ऐसे लिख दो, पाई का मान 2/7 होता ही है, त्रिज्या हमें बड़ी वाली 19.5 थी, बड़ी वाली को पहले लिखते हैं और छोटी वाली को बाद में लिखते हैं। अब ये A² - B² अगर काम करेगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ने पर हो गया ये 37 और घटाने पर हो गया 2। हाँ जी ना जी, बात समझ में आई, जोड़ने पर हो गया ये 37 और घटाने पर हो गया ये 2, ये तो आया क्षेत्रफल, इसको काट देंगे गुणा कर देंगे, फिर जितना क्षेत्रफल आएगा उसको हम किससे गुणा करेंगे 25 से गुणा करेंगे, तो उस पथ को बनाने का खर्चा या लागत हमें मालूम हो जाएगी। ये सवाल था बोर्ड एग्जाम
एनसीईआरटी का था एक सवाल। नेक्स्ट अपने पास सवाल था 21 सेमी त्रिज्या के एक चाप द्वारा केंद्र में बना कोण 60 डिग्री है, तो इसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। ये 2012 में आया, 21 सेमी त्रिज्या है, आर का मान 21 है, थीटा 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड बता देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और उसके बाद सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। छायांकित भाग पूछा है, एक वर्ग था, वर्ग में दो अर्ध हुए तभी मैंने बनाए वैसे बनाए थे, ये छायांकित भाग बच गया ऐसा क्षेत्रफल चाहिए। आप क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। आधार आधा मिलके एक वृत्त हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आगे उसके आगे के सवाल में एक ऐसे, वो भी एक वर्ग ही है, उसके चारों कॉर्नर पर ऐसे बने हुए हैं, चतुर्थांश कह दो त्रिज्यखंड कह दो ऐसे भाग बने, और बाकी जो बच गया उसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। ये मेरे ख्याल से 1 सेमी के हैं, 4 सेमी भुजा है, और बीच में से 2 सेमी व्यास का एक वृत्त काटा गया है। ओके, इसके बीच में भी था एक, ये 2 सेमी व्यास था तो 1 सेमी त्रिज्या होगी। देखना भाई साहब, ये 4 सेमी भुजा का हमारे पास वर्ग है, एक एक सेमी के ये 4 त्रिज्यखंड, एक एक सेमी त्रिज्या, एक सेमी इसकी भी एक सेमी, इसकी भी एक सेमी, और ये 2 सेमी क्या था व्यास था, तो एक सेमी इसकी त्रिज्या होगी। तो ये 4 चतुर्थांश मिलेंगे तो एक वृत्त तो इन चारों से बन जाएगा, एक वृत्त ये वाला है, इस इनकी त्रिज्या भी एक एक सेमी है और इसकी त्रिज्या भी एक सेमी है। पूरे इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों का, यानी एक तो ये वृत्त एक वृत्त ये घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और गुणा 2 हो गए वृत्त पाई आर स्क्वायर। वर्ग की भुजा थी 4, 4 का स्क्वायर 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा यहाँ पर त्रिज्या 1 थी, तो इसको हल कर देंगे 16-44/7 ये गुणा हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए मैंने काफी सवाल आपको एक्सप्लेन किए हैं, और इस प्रकार हमारा 15th नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर बैठ के सारे सूत्र याद करें, सारे एग्जाम्पल देखें, सारे सवाल हल करें, और इस काम को आप फिर नोटबुक में जरूर से करें। टेस्ट जैसे आपका इंग्लिश और उसका हिंदी का हो रहा है, आगे नेक्स्ट टाइम में आपका बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी होगा। तैयारी रखें, मेहनत करें, ऑनलाइन क्लासेस कितनी लंबी चल